तो आइए छठवें पाठ के हम बचे हुए श्लोक देखते हैं। षष्ठा पाठा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो छठवां श्लोक देखते हैं। न रागानप्य विज्ञानात् आहार अनुपयोजयेत परीक्षय हितमश्नीयात् देहो ह्याहार संभवा। इसका मतलब है कि न रागानप्य विज्ञानात्, राग यानी कि लालच से, जीव के लालच के वशीभूत होकर, और अप्य विज्ञानात् यानी कि बिना जाने, बिना ठीक से जाने, आहार अनुपयोजयेत, आहार नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग होते हैं कि जीभ के लालच से जो है ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या फिर ज़्यादा नमक खा लेते हैं आहार में, तो वो उनके लिए जो है नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। इसलिए हमें जो है आहार लिमिट से करना चाहिए। कुछ लोग पक्का खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस प्रकार से होता है। इसलिए कहा है कि जीभ के लालच से या बिना जाने किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। पता चला किसी भी चीज़ को खा लिया और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसी किसी चीज़ को जान लो कि क्या वो खाने की है, और ये भी देखो कि जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर तो हम अपना नुकसान नहीं कर रहे, तो ये जानने के बाद ही भोजन करना चाहिए। परीक्षित मशनिया देहो ह्याहार संभवा, यानी हित और अहित की चिंता किए बिना और सही गलत का विचार किए बिना जो भोजन नहीं करता, उसका भोजन रोगों का कारण बनता है, उसका भोजन नुकसान का कारण बनता है। इसलिए भोजन तरीके से करना चाहिए, इस श्लोक के अंदर बताया। अगले श्लोक में बताया, दीपो भक्षयते ध्वान्तम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्षये नित्यम जायते तादृशी प्रजा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से दीपो भक्षयते ध्वान्तम, जो दिया है वो ध्वान्तम यानी अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को खा लेता है। कज्जलम च प्रसूयते, और काजल को उत्सर्जित करता है, काजल को पैदा करता है, खाता धुएं को है, उस धुए अंधकार को है, उस अंधकार से काजल बनाता है, और काजल लोगों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के काम आता है। तो यदन्नम भक्षये नित्यम, उसी प्रकार से जो प्रजा है, जो अन्न है, जब वो व्यक्ति अन्न खाता है तो उससे क्या बोला गया कि जायते तादृशी प्रजा, जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसी आगे संतान होती है। तो इसलिए कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन, तो व्यक्ति का मन जैसा होगा उसकी संतान भी वैसी होगी। इसीलिए जिस प्रकार का व्यक्ति अन्न खाता है वैसी आगे उसकी संतानों के अंदर गुण आते हैं, वैसी विकास होते हैं। इसलिए अन्न जो है हमेशा सदाचार का, अच्छी प्रकार से कमाए गए धन का अन्न ही खाना चाहिए, उसका असर विपरीत पुत्रों पर और संतान पर भी होता है। इसीलिए कहा गया कि दिया जो है अंधेरा खाता है, इसलिए काले काजल को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से व्यक्ति जैसे अन्न को खाता है वैसे ही संतान को जन्म देता है। अगले श्लोक में कहा है, नास्ति क्षुधा समम दुःखम नास्ति रोगः क्षुधा समः नास्ति आहार समम सौख्यम नास्ति क्रोध समो रिपु। यानी कि नास्ति क्षुधा समम दुःखम, क्षुधा यानी भूख, भूख के समान दुख कोई नहीं है। तो भूख से ऐसे देखते हैं हम बहुत सारे लोग पीड़ित होकर देश में एक वर्ष में कई लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग। तो भूख जो है सबसे बड़ा दुख है, भुखमरी सबसे बड़ी परेशानी है। नास्ति रोगा क्षुधा समा, और भूख के समान कोई रोग नहीं है। और नास्ति आहार समम सौख्यम, और आहार के समान कोई सुख नहीं है। और नास्ति क्रोध समो रिपु, और क्रोध के समान दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। क्रोध में व्यक्ति दूसरे का नुकसान तो करता है लेकिन साथ में अपना भी नुकसान कर बैठता है, जिसके बाद केवल पछता पाता और कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा शत्रु इंसान का क्रोध है, सबसे बड़ा दुख है भूख, और सबसे बड़ी जो है रोग है वो भूख, और सबसे बड़ा जो सुख है वो आहार, और सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है क्रोध। अगले श्लोक पर आते हैं, उपान अहो च वासस्य ऋतमन्य धारयेत उपवीत मलंकारम सृजम करक मेवचा। इसका अर्थ है कि जूते और कपड़े दूसरों के पहने हुए नहीं पहनने चाहिए। जनेऊ ऋतमन्य धारयेत उपवीत मलंकारम, और दूसरे के पहने हुए जनेऊ सृजम माला वगैरह इत्यादि चीज़ें, और ये भी जो है व्यक्ति को नहीं उपयोग करने चाहिए। और आगे बोला है सृजम करक मेवचा, करक मेव यानी लोटा कुल्हड़ आदि जिसमें दूसरा भोजन आदि करता है, तो इन चीज़ों को भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को ऋषि मुनियों के बताने के पीछे भेदभाव का कारण या छुआछूत का कारण नहीं था, बल्कि ऋषि मुनियों को बताने का ये कारण था कि जब भी हम किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग की चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वायरस बैक्टीरिया आदि उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर पता नहीं कौन से रोग हैं। इसलिए जो है व्यक्ति खुद खुद का अगर अपने आप में यूज़ करे तो वो अच्छी बात है। इसमें ऋषि मुनियों ने कहीं भी पक्षपात या भेदभाव की बात नहीं की। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति को वस्तुएं हैं खान पान की धारण करने की, वो व्यक्ति सतर्क रहे तो कई बीमारियों से बच सकता है। तो इस प्रकार से कहा गया है। अगले श्लोक में बोला है, आत्मानमेव मन्येत कर्तारम सुख दुखयो तस्मात् श्रेयस कर्म मार्गम प्रतिपद्येत नूत्र सिद्ध। यानी कि आत्मानमेव यानी अपने आप को ही मन्येत यानी मानना चाहिए, कर्तारम सुख दुखयो सुख और दुख का कर्ता, अपने सुख और दुख को कभी भी दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। अगर हमें कोई सुख दे सकता है तो खुद हम, और हमें कोई दुख दे सकता है तो खुद हम। व्यक्ति को किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ही दुख का कारण होती हैं। कहते हैं कि नेकी करो दरिया में डाल, इसके कई लोग इस तरीके से अर्थ लेते हैं कि अच्छा करो लेकिन उसको भूल जाओ। जब व्यक्ति याद रखता है कि मैंने अच्छा किया किसी के साथ, मुझे भी अच्छा मिले, तो वही दुखों का कारण बनता है। इसीलिए
कहा गया है यहाँ पे कि आत्मनिर्भर, हम खुद ही अपने सुख के करने वाले, खुद ही दुख के करने वाले, अपने आप में खुश रहना चाहिए, इसीलिए अब कोई और हमें दुख नहीं दे सकता, ये इस श्लोक में कहा है। अगला श्लोक यानी कि जो अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक, जिसमें कहा है सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनुपालयेत शरीरस्य प्रणश्यते सर्वमेव विनश्यति। सर्वमेव परित्यज्य, सबको ही छोड़कर शरीर मनुपालयेत, शरीर का ही पालन करना चाहिए, हर प्रकार की चीज को छोड़कर सबसे पहले व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर अच्छा है तो आप मित्रों का भी साथ दे पाएंगे, मित्रता भी निभा पाएंगे, शरीर अच्छा है तो आप धर्म कर्म भी कर पाएंगे, शरीर अच्छा है तो माता पिता की सेवा भी कर पाएंगे, शरीर अच्छा है तो आप समाज सेवा भी कर पाएंगे। कोई भी अच्छा काम व्यक्ति तभी कर सकता है, देश सेवा भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब खुद अपने आप में स्ट्रांग हो। इसलिए शरीर को यहाँ पर जो है सबसे पहला धर्म बताया, सबसे बड़ा धर्म है शरीर का पालन करना। सर्वमेव परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर सबसे पहले शरीर मनुपालय, शरीर से प्रणश्य से, और जब शरीर ही नष्ट हो गया तो सर्वमेव विनश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंस पहली दी गई है, यही इस पाठ का पूरा सारांश है कि हमें शरीर का अच्छे से पालन करना चाहिए। धन्यवाद।